प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिसर की विभिन्न मांगे मुख्यमंत्री द्वारा मान लेने पर गुरुवार को रेलवे बस स्टैंड परिसर में परिषद की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने की। संघ की विभिन्न मांगे पूरी होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री को समस्त पदाधिकारियों ने बधाइयां दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री जयप्रकाश दुबे, कैलाश प्रसाद, राकेश कुमार, सह प्रताप सिंह, राम नरेश सिंह, मनन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद महेश कुमार राय ने कहा, काम फंस गया है तो क्या ही है, कच्चा जिंदाबाद, कच्चा जिंदाबाद, आवाज जिंदाबाद, जो अंग्रेज आएगा मिश्रा अगर उसमें नई बैटरी, नया प्रिंटर ये सब लग जाए तो हम समझ रहे हैं कि 2 महीना वो कारगर हो जाए, कभी सभी 2 से 3 महीना तो भी उसके पास नहीं है। महेश कुमार राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष, गोरखपुर क्षेत्र। ये आज की बैठक रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद जुलाई 2017 से आंदोलन पर था, अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु, चाहे वो 7वें वेतनमान का मामला हो, चाहे संविदा साथियों के 14,000 मानदेय फिक्स करने का मामला हो, चाहे 17,000 फिक्स जो वेतन था उसे सरल बनाना हो, चाहे अन्य मृतक आश्रितों के नौकरी को दिए जाने का मामला हो, ऐसे भिन्न भिन्न मामलों के निस्तारण के लिए ये आंदोलन लगभग 1 वर्षों से चल रहा था, जिसको हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने समय समय से आंदोलन की धमकियां देते हुए, हड़ताल की नोटिस देते हुए, निगम के हित को देखते हुए उसको टालते हुए, प्रशासन को जो आश्वासन मिलता था उसके साथ चलते हुए अपना आंदोलन स्थगित करते रहे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से ये हम लोगों की मांगों की पूर्ति हो चुकी है। हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम अपने प्रांतीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने सूझबूझ के साथ काम करते हुए हमारे कर्मचारियों को रत्ती भर की कोई ठेस न पहुंचाते हुए उपलब्धियां हमें हासिल हुई हैं। हम कर्मचारियों को बधाई देते हैं, अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और अपने परिषद को बधाई देते हुए जय हिंद जय परिषद का नारा देते हुए अपनी वाणी को समाप्त कर